टैक्सहिल.com के YouTube चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 142। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी एक्ट के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। यदि कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक ही डॉक्यूमेंट के बेस पर दो बार क्लेम कर लेता है तो उस केस में क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति एक ही डॉक्यूमेंट के बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को दो बार क्लेम कर लेता है यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम हो जाता है तो उस केस में यह इनपुट टैक्स क्रेडिट उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया जाएगा या उस मंथ में ऐड किया जाएगा जिसमें कि यह डुप्लीकेशन उस व्यक्ति को कम्युनिकेट किया जाता है एज पर सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 ऑफ द CGST एक्ट। यानी कि यह जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसको इंटरेस्ट के साथ रिकवर किया जाएगा। यदि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफिशियल टूर के लिए भेजती है और रेलवे की टिकट को अरेंज करती है IRCTC से तो क्या उस रेलवे टिकट के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए हमें सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 को रेफर करना होगा जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज को अपने बिजनेस में यूज़ करता है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के पर्पज से यूज़ करता है तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती है यदि टिकट के ऊपर उसका GST नंबर मेंशन किया गया है और रेलवे उसकी इनवॉइस को GSTR 1 में अपलोड करती है और जो ट्रैवल है वो बिजनेस पर्पज से किया जा रहा है। यदि रेलवे के द्वारा गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है और हमें कुछ डमरे चार्जेस पे करने पड़ते हैं तो क्या हम उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और यदि हम ये डेमरे चार्जेस कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं इंक्लूडिंग GST तो उस केस में सिचुएशन क्या होगी। इसके लिए हमें सेक्शन 16(1) सब सेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 को रेफर करना होगा जो कि यह कहता है कि यदि आप किसी गुड्स या सर्विसेज को अपने बिजनेस की फर्दरेंस में यूज़ करते हैं या फिर इंटेंडेड टू बी यूज़ करते हैं यानी कि यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं उन गुड्स और सर्विसेज का। इस प्रकार यदि आपके प्राइजेज FOR डेस्टिनेशन बेस्ड हैं और ये आपका नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है तो रेलवे को इसके लिए आपको इनवाइस इशू करनी होगी जिसपे कि वे आपका GST नंबर मेंशन करेगी और GSTR 1 पोर्टल पर अपलोड करेगी और उसके बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं तो आपको कस्टमर से भी GST चार्ज करना होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी टैक्सेबल आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करता है और उसके बाद अपना बिजनेस चेंज कर लेता है और उसी टैक्सेबल आर्टिकल का जोवर करना स्टार्ट कर देता है तो क्या वह इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने कैपिटल गुड्स पे लिया हुआ है उसे रिवर्स करना होगा या इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अपने नए बिजनेस में। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो क्या वह इसे GST की लाइबिलिटी को सेटअप करने के लिए यूज़ कर सकता है 5 साल के बाद भी। इसके लिए हमें सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ऑफ CGST 2017 को रेफर करना होगा जो कि यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है यदि वह गुड्स और सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता है या यूज़ करना चाहता है। इस प्रकार इस केस में यदि व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग से अपना बिजनेस शिफ्ट कर देता है और जोवर का बिजनेस स्टार्ट कर देता है तो उस केस में वह इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कैपिटल गुड्स के ऊपर उसका पड़ा हुआ है वह अवेल कर सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने की टाइम लिमिट सेक्शन 39 में दी गई है यानी कि आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले इन दोनों ही डेट में से जो सबसे पहले होगी। इस प्रकार आप इस टाइम पीरियड के अंदर GST की आउटपुट लाइबिलिटी को सेटअप कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी लैंड के ऊपर गोदाउन कंस्ट्रक्ट करता है और उसको रेंट की इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या वह इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसका एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले सकता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उसका 2 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में उसका 2.5 करोड़ रुपये का खर्चा होगा, उसको जो रेंटल इनकम है 2020-21 से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या वह इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इसके लिए आपको सेक्शन 17(5)(d) ऑफ द CGST एक्ट को रेफर करना होगा जिसका लिंक के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जो कि यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि गुड्स और सर्विस रिसीव करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए
इवन इफ के वो प्रॉपर्टी जो है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है, तब भी वह उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो वर्ड इंक्लूड किए गए हैं वो रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर और कैपिटलाइजेशन भी इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार यदि आप किसी भी इमोबल प्रॉपर्टी की रिपेयर करते हैं, रेनोवेशन करते हैं, ऑल्ट्रेशन करते हैं, तब भी आप उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने एम्प्लाइज़ के लिए स्टाफ बस लेता है और उसकी पेमेंट करता है, तो क्या उस पेमेंट के अंदर जो जीएसटी उसने पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वह व्यक्ति क्लेम कर सकता है? आंसर है नहीं, वह इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट 2017 को रेफ़र करना होगा। यदि हम इस सेक्शन को देखते हैं तो यह कहता है कि किसी भी मोटर व्हीकल या अदर कन्वीनियंस के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ 4 केसेस में अलाउ किया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति फर्दर सप्लाई करता है व्हीकल की और कन्वीनियंस की, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई करता है, यानी मान लीजिए कार डीलर है, या फिर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में इन व्हीकल को यूज़ करता है, या फिर ट्रेनिंग देता है ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेटिंग ऑफ सच कन्वीनियंस, या फिर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर व्हीकल या अदर कन्वीनियंस को यूज़ करता है, तो ही वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। अदरवाइज मोटर व्हीकल और किसी भी और कन्वीनियंस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता। यदि कोई कंपनी बिल्डिंग की रिपेयर कराती है और इस खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्डिंग रिपेयर के अंदर डालती है, तो क्या इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है? इसके लिए हमें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को रेफ़र करना होगा CGST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि गुड्स और सर्विसेज को इमोवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करता है, तो उस केस में वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन और रिपेयर, लेकिन वह तभी नहीं क्लेम कर सकता यदि यह जो खर्चा है वह अपनी इमोवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कैपिटलाइज कर देता है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको इमोवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट मान लेता है, अपने फिक्स्ड एसेट्स में ऐड कर लेता है। लेकिन यदि वह P&L में इसे डेबिट कर रहा है, यानी कि बिल्डिंग रिपेयर के खर्चे के अंदर डाल रहा है, तो वह इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इस प्रकार कंपनी इस केस में बिल्डिंग रिपेयर के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती है, क्योंकि यह जो अमाउंट है उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज नहीं किया है। यदि मैंने फर्म के नाम से मोबाइल फ़ोन परचेज किया है, तो क्या मैं उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ? यदि आप किसी गुड्स और सर्विसेज को पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, एज पर सेक्शन 17(5)(g) ऑफ द CGST एक्ट 2017। यदि कोई कंपनी एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन मटेरियल अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, तो क्या उस कंपनी को उस मटेरियल के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा? इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल आपने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। यदि हाँ, तो इसे GST में सप्लाई नहीं माना जाएगा और इस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके ऊपर जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो कंपनी को रिवर्स करना होगा, एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट 2017। लेकिन यदि मटेरियल के लिए कंसिडरेशन चार्ज किया गया है, उस केस में इसे नॉर्मल सप्लाई माना जाएगा, एज पर FAQ ऑन जेम्स एंड ज्वेलरी बाई CBC, जिसका लिंक है GST वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि कोई माइनिंग कंपनी है और वह किसी टैक्स कंसल्टेंट, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्वायरमेंट कंसल्टेंट या कंटीन सर्विस प्रोवाइडर से कोई सर्विस लेती है और उसके ऊपर GST पे करती है, तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती है? आंसर है यस, किसी भी इनपुट या इनपुट सर्विस जो कि इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज़ होता है, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है, एज पर चैप्टर 5 ऑफ CGST एक्ट 2017 इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन जो भी सर्विस आप कंटीन सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं, उसके ऊपर जो आपने GST पे किया है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड, ऑफिस, वेयर हाउस या स्टॉक यार्ड को हायरिंग पे यानी कि रेंटिंग पे लिया जाता है माइनिंग ऑपरेशन के लिए, तो क्या इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? आंसर है यस, GST जो भी आप पे करेंगे उन हायरिंग ऑफ लैंड, ऑफिस, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट या स्टॉक यार्ड, अगर वह फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ किया जाता है, तो आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं।
टैक्सील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुंचा सकते हैं। यदि आपने भी जीएसटी और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज़ कर दी गई हैं, जीएसटी रेडी रेकनर, जीएसटी मैनुअल विद जीएसटी लॉ गाइड, जीएसटी टैरिफ विद जीएसटी रेट रेकनर। इन सभी बुक्स के अंदर वे नोटिफिकेशन जो 25 जनवरी 2018 तक इशू किए गए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन सभी बुक्स का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या है इसको नोटिफिकेशन वाइज, मंथ वाइज और फॉर्म वाइज taxseal.com की टीम ने कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्म नंबर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, रेलेवेंट रूल भी दिया गया है। जैसे आप इस रूल पर क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा GSTR 1, GSTR 2 से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन वे की गई है। इसके अलावा जो दूसरे GST रिटर्न्स के फॉर्म है जैसे कि GSTR 4 और TRAN 1, उनकी भी कंपाइलेशन की गई है। इसके लिए आप इस YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफर करें और इस पेज को बुकमार्क कर लें, क्योंकि जैसे ही इन डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पे अपने अपडेट करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको taxseal.com पर जाना है, अपने ब्राउजर में taxseal.com टाइप करना है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी जीएसटी अपडेट की टैब, इसमें सबसे ऊपर है जीएसटी रिटर्न्स ड्यू डेट, आप इन्हें क्लिक करें। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर, पर्टिकुलर, रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं। आप फॉर्म को भी रेफर कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी दिए गए हैं, रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आप इसको यहाँ पर जाके अपने बुकमार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, डन। तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप जैसे GSTR 3B को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी। जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है और इसका जो रेफरेंस मटीरियल है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है। मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है 20 सितंबर 2017 थी, तो इसके लिए आप जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा, इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज अ जो है बुकमार्क वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, जीएसटी काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशंस, सीजीएसटी नोटिफिकेशन, सीजीएसटी टैक्स रेट नोटिफिकेशन, आईजीएसटी नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं, तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमिजिएटली रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप CGST, UTGST, IGST या फिर SGST एक्ट के किसी भी सेक्शन को किस प्रकार इजीली सर्च कर सकते हैं, इसके लिए आप taxseal.com की GST टैब अपडेट ऐप पर क्लिक करें। वहाँ पे आप किसी भी जो सेक्शन है CGST का या UTGST या IGST एक्ट का, उसको क्लिक ऑफ माउस के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको taxseal.com को अपने ब्राउज़र में जो है वो टाइप करना है, taxseal.com। इसके बाद आपको यहाँ पे जो जीएसटी अपडेट की टैब है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट दिए गए हैं, यानी कि रेलेवेंट स्टेट के जो एक्ट हैं वो भी दिए गए हैं स्टेट वाइज, और जो जीएसटी एक्ट है वह भी दिया गया है। जैसे जीएसटी एक्ट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंट्रल
जीएसटी एक्ट, स्टे यूटी जीएसटी एक्ट, आई जीएसटी एक्ट वगैरह दिए गए हैं। जैसे ही आप सी जीएसटी एक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप सी जीएसटी एक्ट का चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर वन प्रीलिमिनरी, यहाँ पे सेक्शन वन सेक्शन टू दिए गए हैं चैप्टर वाइज। जब मान लीजिए आप सेक्शन 9 को रेफ़र करना चाहते हैं, लेवी एंड कलेक्शन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करती हैं सेक्शन 9 पर, तो जो सेक्शन 9 है वह ओपन हो जाएगा। सेक्शन 9 को आप रेफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए सेक्शन 9 के अंदर जैसे कि सेक्शन 15 दिया गया है, तो जैसे ही आप सेक्शन 15 पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 15 भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो ये नोट यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है, उनके नोटिफिकेशन को लिंक भी इस पेज के जो है नोट के अंदर दिए गए हैं। आप इन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर रेफर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेक्शन 15 क्लिक किया तो सेक्शन 15 जो है वो ओपन हो जाता है, और इस सेक्शन के अंदर भी अगर फर्दर सेक्शन या एक्ट का लिंक दिया गया है तो वह भी आप क्लिक कर रेफर कर सकते हैं। इस प्रकार जो आप जीएसटी एक्ट है वह इजिली यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। यदि आपने इससे पुरानी जो जीएसटी न्यूज़ हैं या टिप्स हैं मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। इन न्यूज़ टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुने ताकि आप जो जीएसटी की इंटरेस्ट पेनल्टी और नॉन कम्प्लायंस है उनसे बच सकें। यदि आपने टैक्सिल की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी GST से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। taxi.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।